नमस्कार, मैं हूं शुभई और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरे 3.5 साल बाद उन्हें जेल से जमानत मिली और अब ऐसे में वो फिर से बिहार की राजनीति साथ ही साथ अपने पार्टी के लिए सक्रिय दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बात की पुष्टि की गई कि रविवार को 9 मई की तारीख 2 बजे का समय होगा और उस वक्त तेजस्वी यादव समेत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विशेष अतिथि के तौर पर राजद के तमाम विधायक और साथ ही साथ हारे गए प्रत्याशियों के साथ भी बातचीत करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता थी, जेल में की सजा काट रहे थे, साथ ही साथ एम्स में इलाजरत भी थे। वो इसलिए क्योंकि 18 तरह की गंभीर बीमारियों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जूझ रहे हैं और इस वक्त भी उनकी वही हालत है। आपको बता दें कि उन्हें एम्स से छुट्टी तो मिल गई है, फिलहाल वो अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ डॉक्टर्स की निगरानी के तहत ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के घर पर हैं। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ पार्टी और साथ ही साथ बिहार के जो भी उनके फैंस हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, उनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच ये बात सामने आई है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल मीटिंग करेंगे, यानी कि वर्चुअली उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन के निधन की खबर सामने आई उसके बाद से पार्टी के भीतर बगावती तेवर देखने को मिले। कई सारे मुस्लिम नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, अल्पसंख्यक नेताओं के बीच में नाराजगी है और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सहारा तेजस्वी यादव ले रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। न्यूज़ फाउंडेशन ने भी आपको शहाबुद्दीन के परिजन के उस वीडियो के बारे में सुनाया, उनसे जो हम तक जानकारी मिली वो हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि जब तेजस्वी यादव से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो फोन नहीं मिल पाया, फोन मिलने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बातचीत नहीं हो पाए। यानी कि ये तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के इससे हमारे सामने आई तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर पार्टी के भीतर अभी मतभेद चल रहा है और यही वजह है कि इस नाराजगी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस गलती को सुधारने के लिए अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना जादू चलाएंगे। फिलहाल आरजेडी ने एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि 9 मई की तारीख को दोपहर 2 बजे आलाकमान यानी कि लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायकों से सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।